हे गाइस, वेलकम बैक टू फ्लाई हाई एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले हम समझ लेते हैं कि नंबर लाइन क्या होती है। देखिए, ये एक लाइन है। हम नंबर लाइन पे रैशनल नंबर कैसे प्लॉट करते हैं मैं आपको ये बता रही हूँ। दैट इज जीरो, और नंबर लाइन के हमेशा राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं, लाइक 1, 2, 3, 4, और लेफ्ट साइड में हम नेगेटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, -1, -2, -3 एंड -4। नाउ मैं आपको एक एग्जांपल लेके बता देती हूँ। जैसे कि आपको प्लॉट करना है 3/4, सो 3/4 क्या है, हमारा पॉजिटिव नंबर है। ये हमेशा कहाँ प्लॉट होगा, राइट साइड पे। और जो इसका डिनोमिनेटर होता है वो इंडिकेट करता है कि कितने इक्वल पार्ट्स हुए हैं। जैसे ये जीरो है, ये वन है, तो डिनोमिनेटर क्या है हमारा, फोर, मतलब इसके फोर इक्वल पार्ट्स हुए हैं, 1, 2, 3 एंड 4। और जो न्यूमरेटर होता है वो इंडिकेट करता है कि हमने कितने पार्ट्स लिए हैं उस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसमें क्या है, 3/4, सो हमने कितने पार्ट लिए हैं, 1, 2, 3। दैट मीन्स आपका 3/4 यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा। नाउ हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट इज रिप्रेजेंट दीज लाइन्स ऑन द नंबर लाइन। पार्ट फर्स्ट 7/4 एंड सेकेंड -5/6। सो सबसे पहले हम 7/4 को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। हम 7/4 को क्या लिख सकते हैं, 7 × 1/4 लिख सकते हैं, क्योंकि 7 × 1/4 करेंगे तो हमारा 7/4 ही आएगा। नाउ अब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव। पॉजिटिव नंबर है, सो 0, 1, 2। नाउ अब आप इसका डिनोमिनेटर देखिए। डिनोमिनेटर क्या है, 4, मतलब 0 से 1 तक कितने पार्ट्स होंगे, 4। सो 1, 2, 3 एंड 4। नाउ आपको 7 जंप्स करने हैं 1/4 के। 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4 और 7/4। देखिए यहाँ पे आप 4 से 4 को कैंसिल करेंगे तो आपका 1 ही आएगा, और हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, 7/4। सो 7/4 हमारा इस वाले पॉइंट में रिप्रेजेंट होगा। सो हेयर पी इज 7/4। नाउ हमारा सेकेंड पार्ट है -5/6। सो -5/6 को हम क्या लिख सकते हैं, -5 × 1/6। देखिए यहाँ पे माइनस है, मतलब कि हमारा जो नंबर लाइन होगी ये लेफ्ट साइड पे रिप्रेजेंट करेगी। अब हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए ये हमारा माइनस में है, मैंने आपको पहले ही बताया था अगर माइनस के इंटीजर्स होंगे तो वो लेफ्ट साइड पे रिप्रेजेंट होंगे। -0, -1। नाउ हमारा डिनोमिनेटर क्या है, 6, मतलब आपको इसके 6 इक्वल पार्ट्स करने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6।
नाउ हमें क्या करना है, 5 जंप्स करने हैं 1/6 के. सो -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6 एंड -6/6. सो हमें कितने जंप करने हैं, 5. 1, 2, 3, 4, 5. सो हमारा 5/6 यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा. हेयर इसको हम क्यू नाम दे देते हैं. क्यू इज -5/6. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट -2/11, -5/11, -9/11 ऑन द नंबर लाइन. क्वेश्चन में बोला है कि -2/11, -5/11 और -9/11 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है. सो हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. ये हमारी नंबर लाइन है और जो हमारे इंटीजर्स हैं वो नेगेटिव हैं, तो हमें लेफ्ट साइड पे रिप्रेजेंट करना है. और हमारा डिनोमिनेटर क्या है, 11. दैट मीन्स हमको 0 से -1 तक 11 पार्ट्स करने हैं. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11. नाउ सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, -2/11. सो आप यहाँ पे पहले वैल्यूज रख लीजिए, -1/11, -2/11, -3/11, -4/11, -5/11, -6/11, -7/11, -8/11, -9/11 एंड -10/11. और हियर -11/11. सो 11 ones are 11 हो जाएगा, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा. नाउ आपको -2/11 को रिप्रेजेंट करना है. सो -2/11 कहाँ है, यहाँ, दैट इज ए पॉइंट. उसके बाद आपको -5/11 को रिप्रेजेंट करना है, जो कि ये है, दैट इज बी पॉइंट. देन -9/11, -9/11 ये है और इसको हम सी नाम दे देते हैं. सो हियर ए इक्वल्स टू -2/11, बी इक्वल्स टू -5/11 एंड सी इक्वल्स टू -9/11. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, राइट 5 रैशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2. हमें 5 रैशनल नंबर्स बताने हैं जो 2 से कम हो. देखिए 2 से कम रैशनल नंबर्स हमारे कौन कौन से हो सकते हैं, आपने नंबर लाइन पे देखा था ना, जैसे कि ये हमारी नंबर लाइन है. सो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, 0, 1, 2, 3 और यहाँ पे -1, -2, -3. सो हमें 2 से स्मॉलर देन 5 रैशनल नंबर्स बताने हैं. दैट मीन्स वो 5 रैशनल नंबर्स कोई भी हो सकते हैं 2 से कम. इसमें हमें क्या क्या मिल जाएगा, 1, 0, -1, -2 and -3. ये क्या हो जाएंगे, हमारे 5 रैशनल नंबर्स. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, राइट 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 and 1/2. हमें 10 रैशनल नंबर्स बताने हैं -2/5 and 1/2 के बीच के. सो आपको यहाँ पे क्या करना है, पहले डिनोमिनेटर को सेम करना है. नंबर्स क्या है, -2/5 and 1/2. सो आप डिनोमिनेटर को कैसे सेम करेंगे, पहले 5 और 2 का आप एलसीएम ले लीजिए. नाउ 5 का 5, 2 1s are 2, देन अगेन 5,
वन वन, सो टू इंटू फाइव कितना हो जाएगा 10, सो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा 10। नाउ आपको दोनों के डिनोमिनेटर को 10 बनाना है, सो माइनस 2/5, इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि इसका डिनोमिनेटर 10 आ जाए, 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर में भी, सो 2 टू से क्या हो जाएगा 4, दैट मीन्स माइनस 4, 5 टू जो 10। नाउ 1/2, 2 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 10 आ जाए 5, सो इंटू 5 इंटू 5, 1 5 जो 5, 2 5 जो 10। सो अगर हम इन दोनों के बीच के रैशनल नंबर्स देखें तो क्या आएंगे, -3/10, -2/10, -1/10, 1, देन 1/10, 2/10, 3/10 एंड 4/10। सो ये तो हमारे 8 नंबर्स हो रहे हैं और हमें 10 नंबर्स चाहिए, तो अब आपको क्या करना है, जो ये हमारा -4/10 आया है को 2 से मल्टीप्लाई करना है, इंटू 2 इंटू 2, सो -8/20 आ जाएगा, और ऐसे ही आपको 5/10 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, सो इंटू 2 इंटू 2, 5 2 जो 10 एंड 10 2 जो 20। नाउ इसके बीच में आपको 10 रैशनल नंबर्स बताने हैं, सो हम क्या क्या लिख सकते हैं, -7/20, -6/20, -5/20, -4/20, -3/20, 1 1/20, 2/20, 3/20, 4/20, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, रैशनल नंबर्स हो जाएंगे। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन, इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 4/5, -3/2 एंड 5/3, 1/4 एंड 1/2। फर्स्ट हम लोग को डिनोमिनेटर सेम करना है, सो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम लोग डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं, दैट इज 3 एंड 5, 3 1 जो 3 एंड 5 का 5, 5 1 जो 5, सो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा 3 इंटू 5, दैट इज 15। हमें सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम बनाना है, सो 2/3, अब हम 3 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा 15 आ जाएगा, सो इंटू 5, और हमें यही न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू 5, 2 5 जो 10 एंड 3 5 जो 15। नाउ हमारा सेकंड नंबर है 4/5, सो 5 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा 15 आ जाएगा इंटू 3 एंड न्यूमरेटर में भी इंटू 3, 4 3 जो 12 एंड 5 3 जो 15। सो हमारा डिनोमिनेटर आ गया सेम, और हमसे पूछा गया है 5 रैशनल नंबर्स बताने हैं, सो जब भी हमसे ऐसे क्वेश्चंस आएं जहां हमें 5 रैशनल नंबर्स 10 रैशनल नंबर्स बताने हैं, तो हम हमेशा ये नंबर्स हैं इनको एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई करेंगे, सो हमसे 5 रैशनल नंबर्स पूछे गए हैं, दैट मीन्स हम इंटू सिक्स कर देंगे, क्योंकि हमें एक नंबर ज़्यादा लेना है, सो 10 6 जो 60 एंड 15 6 जो 90। नाउ सेकेंड वाले नंबर में भी हम इंटू सिक्स कर लेते हैं, सो 12/15 इंटू सिक्स 12 6 जो 72 एंड 15 6 जो 90। नाउ आपको 60/90 एंड 72/90 के बीच के 5 रैशनल नंबर्स बताने हैं, तो ये हो जाएंगे 61/90, 62/90, 63/90, 64/90 एंड 65/90। नाउ कमिंग टू पार्ट सेकंड, -3/2 एंड 5/3,
सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। सो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम डिनोमिनेटर के एलसीएम ले लेते हैं। टू वन जा टू एंड थ्री, देन थ्री वन जा थ्री, सो टू इंटू थ्री दैट इज सिक्स। तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा? सिक्स। हमारा फर्स्ट नंबर है माइनस थ्री बाय टू, सो टू में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि सिक्स आ जाएगा? थ्री। सो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में हमें थ्री थ्री का मल्टीप्लाई करना है। इंटू थ्री इंटू थ्री, थ्री थ्री जा नाइन एंड टू थ्री जा सिक्स, नाउ फाइव बाय थ्री। सो थ्री में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा सिक्स आ जाएगा? टू। सो इंटू टू इंटू टू, फाइव टू जा टेन एंड थ्री टू जा सिक्स। फाइव रैशनल नंबर्स पूछे गए हैं तो हमें सिक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो नाइन अपॉन सिक्स इंटू सिक्स इंटू सिक्स, नाइन सिक्स जा फिफ्टी फोर, सिक्स सिक्स जा थर्टी सिक्स। देन टेन अपॉन सिक्स इंटू सिक्स इंटू सिक्स, टेन सिक्स जा सिक्सटी एंड सिक्स सिक्स जा थर्टी सिक्स। नाउ माइनस फिफ्टी फोर अपॉन थर्टी सिक्स एंड सिक्सटी अपॉन थर्टी सिक्स के कोई भी हमें फाइव रैशनल नंबर्स लेने हैं। सो हम ले सकते हैं माइनस फिफ्टी थ्री अपॉन थर्टी सिक्स, माइनस फिफ्टी टू अपॉन थर्टी सिक्स, माइनस फिफ्टी वन अपॉन थर्टी सिक्स, माइनस फिफ्टी अपॉन थर्टी सिक्स एंड माइनस फोर्टी नाइन अपॉन 36। तो ये हमारे फाइव रैशनल नंबर्स हो जाएंगे। नाउ कमिंग टू पार्ट थ्री, पार्ट थ्री है हमारा 1 बाय 4 एंड 1 बाय 2। सो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को सेम बनाते हैं। डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा डिनोमिनेटर्स का। सो 4 और 2 का एलसीएम ले लेते हैं। 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, देन 2 टू वन जर टू एंड टू वन जर टू, सो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा? टू इंटू टू दैट मीन्स टू टू जर फोर। सो हमारा एलसीएम कितना आया? फोर। हमारा फर्स्ट नंबर है वन बाय फोर, सो फोर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि फोर आ जाए? वन से, देन इंटू वन इंटू वन, सो वन वन जर वन, फोर वन जर फोर। नाउ वन बाय टू, टू को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि फोर आ जाए? इंटू टू इंटू टू, टू वन जा टू एंड टू टू जा फोर। नाउ हमसे फाइव रैशनल नंबर्स पूछे गए हैं तो हम एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई करेंगे। देन वन बाय फोर इंटू सिक्स इंटू सिक्स, सो वन सिक्स जा सिक्स, फोर सिक्स जा ट्वेंटी फोर। नाउ टू बाय फोर इंटू सिक्स इंटू सिक्स, टू सिक्स जा ट्वेल्व एंड फोर सिक्स जा ट्वेंटी फोर। नाउ हमें सिक्स बाय ट्वेंटी फोर एंड ट्वेल्व बाय ट्वेंटी फोर के बीच के फाइव रैशनल नंबर्स बताने हैं। सो ये हो जाएंगे सेवन बाय ट्वेंटी फोर, एट बाय ट्वेंटी फोर, नाइन बाय ट्वेंटी फोर, टेन बाय ट्वेंटी फोर, इलेवन बाय ट्वेंटी फोर। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर सिक्स, राइट फाइव रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन माइनस टू। हमें फाइव रैशनल नंबर्स बताने हैं जो माइनस टू से ग्रेटर देन हो। ग्रेटर देन हो मतलब बड़े हो। सो हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। दैट इज जीरो, माइनस वन, माइनस टू, हेयर वन टू। देखिए ये हमारी नंबर लाइन है और हमें ग्रेटर देन माइनस टू बताने हैं। तो जो ये वाले जितने भी नंबर्स हैं ये हमारे ग्रेटर देन माइनस टू हैं। सो हमें इसमें से कोई फाइव रैशनल नंबर्स बताने हैं। देखिए माइनस वन, वन एंड टू, ये हमारे थ्री रैशनल नंबर्स हो गए। नाउ अब आप मिड पॉइंट ले लीजिए। माइनस वन और जीरो के बीच में क्या आता है? माइनस वन बाय टू,
और 0 और 1 के बीच में क्या आएगा, 1/2, तो यहाँ पे आ जाएगा -1/2 एंड 1/2, सो ये हमारे 5 फ्रैक्शनल नंबर्स हो जाएंगे। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4। हमें 10 रैशनल नंबर्स बताने हैं 3/5 एंड 3/4 के बीच के। सो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना पड़ेगा, दैट इज 5 एंड 4। सो 2, 5 का 5, 2 2 जा 4, देन अगेन 2, 5, 2 1 जा 2, देन 5, 1, 1, तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 × 2 × 5, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, दैट मीन्स हमारा एलसीएम है 20। अब हमें दोनों के डिनोमिनेटर को क्या बनाना है, 20, देन 3/5, 5 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 20 आ जाएगा, 4, सो × 4 × 4, 3 × 4 = 12, 5 × 4 = 20, देन 3/4, 4 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। देन हमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, सो × 5 × 5, 3 × 5 = 15, 4 × 5 = 20। नाउ जो हमारे ये दो नंबर आए 12/20, हमसे कितने रैशनल नंबर्स पूछे गए हैं, 10। सो मैंने आपको बताया था जितना पूछा जाए उससे एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई कर देना है, दैट मीन्स × 11 × 11, सो 12 × 11 आ जाएगा 132 एंड 20 × 11 आ जाएगा 220। नाउ हमारा सेकंड नंबर दैट इज 15/20 × 11 × 11, सो 15 × 11 आ जाएगा 165 एंड 20 × 11 220। नाउ हमें इन दोनों के बीच के 10 रैशनल नंबर्स बताने हैं। सो हमारे 10 रैशनल नंबर्स क्या हो जाएंगे, 133/220, 134/220, 135/220, 136/220, 137/220, 138/220, 139/220, 140/220, 141/220 एंड 142/220। ये हमारे 10 रैशनल नंबर्स होंगे 3/5 एंड 3/4 के बीच के। यहीं पे आपकी 1.2 कंप्लीट होती है और चैप्टर 1 भी कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।